अगर बनाना हो आपको ये टेस्टी मूली का अचार तो मेरी रेसिपी ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मूली लिया है और मूली को मैंने अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है साफ़ कपड़े से जिससे ये सूख जाए। और इसको अब हम लंबे लंबे पीस में काट रहे हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई से भी काट सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। ऐसे ही हमें सारी मूली को काट लेना है। यहाँ मैंने दोनों मूली को काट लिया है, अब इसको एक बाउल में पलट लेंगे। और इसमें ऐड कर लेंगे आधी चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, जिससे मूली थोड़ा पानी छोड़ दे और मूली में अच्छे से नमक मिल जाए। ऐसे टैप कर लें और इसके बाद इसको हम धूप में रख देंगे 4 घंटे के लिए, जिससे मूली थोड़ा सा सूख जाए, इसका पानी निकल जाए, तब हम इसका अचार बनाएंगे। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको धूप में रख देती हूँ। अगर आपके पास धूप ना हो तो आप इसको फैन के हवा में भी सुखा सकते हैं। मूली धूप में रखे हैं जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए एक पैन लेंगे। पैन में हम तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे पहले, जिसमें अच्छे से धुआं निकलने लगे। तेल गरम हो रहा है तब तक हम मसाले ले लेते हैं। 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 2 टीस्पून सरसों या राई जो भी आपके पास हो ले सकते हैं, आधी टी स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जी अजवाइन है, अजवाइन जरूर डालें जब भी अचार मूली का बनाए तो ये डाइजेस्ट में अच्छा रहता है, आधी टी स्पून मेथी दाना। और इसको अब हम पीस लेंगे। और यहाँ मैंने मसाले को पीस लिया है, थोड़ा दरदरा ही मसाले को पीसना है, बहुत बारीक नहीं। और यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, देख सकते हैं आप इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब एकदम ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे जो पीसे हुए हैं, साथ ही ऐड कर लेंगे आधी टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, दो चुटकी हींग हम इसमें ऐड करेंगे, आधी टी स्पून नमक, नमक हमने मूली में भी डाला था, आधी टी स्पून हल्दी पाउडर। और मसाले को अच्छे से तेल में हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तेल में और मूली भी यहाँ अच्छे से सूख चुका है। देखिए अब इसको हम एक बड़े से बाउल में पलट लेंगे। और इसमें अब हम मसाला जो मिक्स करके रखे हैं वो ऐड कर लेंगे। और इसको मूली में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को हम। अगर आपको ज़रूरत लगे हाथ से मिक्स करने की तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। एक एक मूली में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। और ये देखिए मूली में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और लास्ट में अचार में हम डालेंगे व्हाइट विनीगर, यानी व्हाइट सिरका भी आप बोल सकते हैं।
या इसकी जगह आप ब्लैक सिरका भी डाल सकते हैं, जो गन्ने का बनता है। वो भी ना हो तो आप इसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम तक अगर आपको अचार को रखना है तो वाइट सिरका ही डालें। और हमारा अचार एकदम तैयार है। अगर आपको इसको लंबे टाइम तक रखना है तो आप इसको चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में रखें। मैं अभी इसको प्लास्टिक के डब्बे में भर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा बनाया है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको स्टोर करना हो तो आप कांच के बर्तन में डालें। यह अचार बहुत ही टेस्टी बना है, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।